असल नाजरीन मैं हूं उसद रीतूर अपने प्रोग्राम असदूर अनसेंसर्ड में हम अब कुछ बड़े इंकशाफात देके आ रहे हैं और ये इंकशाफात हैं कि क्यों नून लीग ने मियां नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ के लिए चुना और बाकी जो कैंडिडेट्स थे उनमें से साहिर शमशाद साहब जनरल साहिर शमशाद वो क्यों चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बने उनकी चॉइस की क्या वजह थी जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नमान महमूद वो क्यों ना आर्मी चीफ या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन सके लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद क्यों ना बन सके वैसे तो एक है कि वो नहीं थे लेकिन उन्होंने भी कुछ लंदन रात किए ये भी आपको बताएंगे इसके अलावा फिर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास क्यों ना बन सके और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर क्यों ना बन सके ये बड़ी बड़ी खबरें हैं ये और इसमें आपको नजर आएगा कि ये फैसला साजी किस तरह हुई ये बड़ी खबर है तो जो जो ये बताया जा रहा है हमको जरा डिटेल बताएंगे कि जो आसिम मुनीर साहब तो तो पर दस्तखत हो गया है तनाजा खत्म हो गया है सब कुछ उनका नोटिफिकेशन हो गया है लेकिन वजह क्या थी अब जो इंकशाफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन लेना चाहते थे हम तो खैर पहले से बता रहे थे लेकिन अब ये अब हम आपको बताएंगे कि ये कैसे ये, आप समझेंगे ये आप इनको यूं ही समझे कि मियाँ शहबाशीफ का वर्जन है ये प्राइम मिनिस्टर का ठीक है इतनी जिम्मेदारी से हमको कुछ बता रहे हैं कि ये आप समझे उन्हीं का वर्जन इसको समझे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अभी कैसे ये उनका वर्जन तो वो ये बताया जा रहा है कि जो कमर देव तो बाजवा साहब थे वो इसमें डबल गेम क्या खेल रहे थे एक्सटेंशन लेने के लिए ये जो है ना बहुत ज़्यादा इमरान खान ने उनको इतना बुरा भला कहा लेकिन उन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक्शन नहीं लिया ठीक है तो वो इतना लाडला है कि उसको हाथ नहीं लगाया जनाब ना उस पर गिरफ्तारी हुई ना कुछ ना कर ठीक है छोटी मोटी प्रेस लग, रिलीजें आती टुकट ठीक है तो उसकी वजह यह थी कि जनरल कमर देव बाजवा इमरान खान से ये नरम रवैया इसलिए रख रहे थे ताकि वो कल जब हुक्मरान इतिहाद पर दबाव डालकर एक्सटेंशन लेने की कोशिश करेंगे तो इमरान खान उनकी एक्सटेंशन की मुखालफत ना करें बल्कि एक वक्त आया कि उन्होंने ऐसा माहौल तैयार कर लिया कि इमरान खान साहब को यह दिखाना शुरू कर दिया कि अगर आप मुझे एक्सटेंशन नहीं दिलवाएंगे तो ये आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बन जाएंगे और आसिम मुनीर साहब वो हैं जिनको संडे वाले दिन आपने मुझे कहकर आई डीजीआई से सेटवाया था तो अगर आप मुझे ये एक्सटेंशन दिलवा दें तो आसिम मुनीर साहब रिटायर हो जाएंगे दूसरी जो जा इमरान खान साहब के लिए लुक्रेटिव ऑफर थी वो ये थी कि मेरे एक्सटेंशन पाने से लेफ्टिनेंट फैज हमीर फिर भी आर्मी चीफ की रेस में रहेंगे मुझे आप एक्सटेंशन दिलवाएं और मैं मार्च में इलेक्शन करवा दूंगा मेरी एक्सटेंशन की आप हमत करें मैं हुकूमत से एक्सटेंशन लेता हूँ मार्च में इलेक्शन हो जाएंगे लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद ने अप्रैल में रिटायर होना है तो आप अगर मार्च में मुंतखब हो जाएंगे इलेक्शन जीत के तो आप लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बना लीजिएगा तो ये कुछ चीज़ों पर उन्होंने इमरान खान साहब को आमादा किया हुआ था जबकि हुकूमत के साथ वो ये खेल खेल रहे थे कि आप मुझे एक्सटेंशन दें जो आर्मी एक्ट के तहत मेरी रिमेनिंग मुद्दत बनती है यानी कि सत्रह माह की और फिर मैं आपको पंजाब वापस लेके दूंगा जो कि अभी चौधरी लाई के पास चला गया क्योंकि जब मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगी तो मैं सत्रह माह के लिए मजबूत आर्मी चीफ होऊंगा अभी मैं एक आउट आर्मी चीफ हूं मैं ये खेल नहीं खेल सकता तो आप मुझे एक्सटेंशन दिलवाएं मैं आपको पंजाब वापस ले दूंगा ठीक है अब इतहाद का मसला ये था कि वो पंजाब तो वापस लेना चाहते थे लेकिन वो जनरल कंवर बाजवा से जी चाहते थे कि आप पहले पंजाब लेके दें फिर हमसे एक्सटेंशन की बात करें और चौधरी लाई निजी महफिलों में लोगों से कहते थे कि मैं पीटीआई में गया ही जनरल कंवरदेव बाजवा के कहने पर मैं पीडीएम से दुआए खैर पढ़ के अगले दिन जिस दिन मैंने ऐलान करना था मैं चंद घंटे पहले मैं चला गया पीटीआई में शामिल होने तो वो जनरल कंवर बाजवा कहने के तो आइडिया था कि ये डबल कार्ड कार्ड खेल रहे हैं जो दोनों तरफ खेल रहे हैं विकेट के जनरल कमरजेद बाजवा तो इसलिए हुकूमत उकुम, ने ये फैसला किया कि इनको तो एक्सटेंशन नहीं देनी जब उनको एक्सटेंशन ना देने के बाद तो फिर जनरल कमरज बाजवा ने यह दबाव डालना शुरू कर दिया कि आप जनरल सहर शमशाद मिर्जा को आर्मी चीफ बना दें ये मेरे ये मेरे कैंडिडेट हैं तो अब तब हु को ये था कि भाई अगर जनरल कंवर बाजवा को हमने एक्सटेंशन नहीं देनी तो इनका आदमी हम आर्मी चीफ भी क्यों बनाए क्योंकि इनके बंदे को आर्मी चीफ लगाने का मतलब है कि ये नहीं कोई आप तो दे रहे हैं जनरल कंवर बाजवा को तो हमने जब उनको नहीं बनाना उनको तोसी नहीं देनी तो उनका बंदा आर्मी चीफ भी नहीं बनाना यह चीज जो थी जनरल कमरदत्त बाजवा की जो सिफारिश थी वो खिलाफ चली गई जनरल सार शमशाद मिर्जा के कि वो आर्मी चीफ ना बन सके अब फिर इससे आगे बात बढ़ी इससे आगे बात बढ़ी तो जनरल कमरदत्त बाजवा ने प्लान बी के तौर पे कि उनका प्लान बल्कि प्लान सी के तौर पर प्लान ए एक्सटेंशन था वो नाकाम हो गया प्लान बी लेफ्टिनेंट साहर शमशाद मिर्जा को आर्मी चीफ बनवाना था वो नाकाम हो गया तो वो फिर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास की सिफारिश करने लगे कि इनको आर्मी चीफ बना दे अब हुकूमत के फिर कान खड़े हो गए अब मसला ये था कि जो साहिर शमशाद मिर्जा साहब के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास की जो बात हो रही थी अब लेफ्टिनल साहर शमशाद मिर्जा के भी लेफ्टनरल फैज हमीद से अच्छे तल्लु थे दोनों रूममेट थे काकुल में और फिर प्लस वो आ, इनके चकवाल के भी थे सिंह शमशाद मिर्जा साहब तो फिर जब लेफ्टिनेंट अजहर अब्बास पर बात आई तो वहां पर फिर ही बातचीत चल पड़ी अब मसला ये था कि लेफ्टिनेंट अजहर अब्बास साहब के बारे में ये था कि लाइक जो लेफ्टिनेंट नुमान महमूद थे एनडीयू के जो प्रेसिडेंट हैं वो और जो लेफ्टिनेंट मोहम्मद आमिर हैं जो कोर कमांडर गुजरा वाला है इन दोनों की लेफ्टीनल फैज हमीद से नहीं बनती थी लेकिन लेफ्टिन जो अजहर अब्बास थे इनकी इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इनकी भी दोनों कैंप्स में इक्वल दोस्ती थी इनकी लेफ्टिनल साहर शमशाद मिर्जा और लेफ्ट लेफ्ट फैज हमीद और आर्मी चीफ कमर बाजवा इन तीनों से इनकी अच्छी बनती थी लेफ्टिनेंट अजहर अब्बास की जो जिसलिस्ट में तीसरे नंबर पे थे और इनकी इतनी ही अच्छी लेफ्टिनेंट नुमान महमूद से बनती थी और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर से भी बनती थी जो कि लेफ्टिनेंट फैज अमीर का एंटी कैंप थे तो फिर इस पर सोचा कि यार ये तो दोनों तरफ ये भी विकेट के खेलते हैं तो हमें नहीं अतम फिर बात आ गई लेफ्टिनेट नुमान महमूद की अब लेफ्टिनेंट नुमान महमूद की वैसे तो काफी ज्यादा सल थी लेफ्टिनेंट फैज हमीद से क्योंकि दोनों उस वक्त आईएसआई आई में थे जब मेजर जनरल फैज हमीद जब होते थे तो वो डीजीसी थे तो ये मेजर जनरल के तौर पे नौमान महमूद साहब ये आईएसआई आई के एनालिसिस विंग के डीजी थे तो अब इन दोनों के आपस में नहीं बनती थी लेकिन मसला ये था कि उसके अलावा ये थे उसी लॉन्ग कोर्स के जिसके लेफ्टिनेंट शायर शमशाद मिर्जा थे लेफ्टिनेंट अज़हर अब्बास थे और लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद थे और लेफ्टिनेंट मोहम्मद आमिर थे तो अब इनके बारे में हुकूमत को था कि इनके ताल्लुक तो फिर भी होंगे लॉन्ग कोर्स तो इनका सेम है फिर इस वजह से ये भी ना से कहला कि इनके बारे में हुक्रान इत का सॉफ्ट कॉर्नर भी था और ये जिसे कहते हैं ना हुक्मरान इतिहाद का जो प्लान बी था ना ए लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर से और प्लान बी जो हुक्मरान हुत का था वो लेफ्टिनेंट नुमान महमूद थे और फिर हुक्मरान इतिहाद ने यह भी सोचा कि इनको हम चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी बना सकते हैं अब इससे आगे आ जाइए फिर आगे लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद अब वैसे तो एक बड़ी बात क्लियर है कि हुक्मरान एतिहाद ने उनको आर्मी चीफ बनाना ही नहीं था ये तहरीक अदम अतमाद जो असल में आई थी वो इमरान खान के खिलाफ नहीं आई थी वो लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद के खिलाफ आई थी कि इनको आर्मी चीफ नहीं बनाना इनको आर्मी चीफ नहीं लगने देना तो उनको कैसे बना दिया जाता लेकिन उसके बावजूद लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद ने पूरी कोशिश की लंदन रबते किए और उनको कहा कि आप मेरे रस्ते में रुकावट ना डालें मुझे आर्मी चीफ बनने दें मैं आप लोगों को तंग नहीं करूँगा ठीक है जबकि दूसरी तरफ हुक्मरान तहाद तो ये कह रहा था कि ये तो वही गेम है जो हमारे साथ आर्मी चीफ जनरल कमरदास बाजवा खेल चुके हैं कि उन्होंने पहली जब एक्सटेंशन लेनी थी तो उन्होंने हमारे पे हाथ होला थोड़ा रख लिया तो इमरान खान साहब ने उनको एक्सटेंशन जब दी और वो सुप्रीम कोर्ट में गोट फंसी तो फिर पार्लियामेंट में जब मामला गया तो उन्होंने हमसे भी वोट ले लिया इमरान खान से तो लेने ही लेने थे और अब फिर वो यही खेल खेल रहे हैं इमरान खान से भी सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है वो गालियां दे रहे हैं लेकिन इमरान खान को हाथ नहीं लगा रहे कि मेरी एक्सटेंशन की मुखालफत ना करें और अब उन्होंने इमरान खान साहब से सिफारिश करवा भी लिया कि आप एक्सटेंशन दे दें और अब जनरल बाजवा हुक्मरान हु कर रहे थे कि देखें अपोजिशन लीडर इमरान खान को मुझे एक्सटेंशन देने से मसला नहीं है तो अब तो दें मुझे एक्सटेंशन अब फैज़ नीचा बिलंदर रबते कह रहे थे कि मुझे आर्मी चीफ बना दें मैं अच्छा बच्चा बन कर रूँगा तो आप मुझसे परेशान ना हो लेकिन हुक्रान इतिहाद उनके लिए तैयार नहीं था बाकीों की आपको वजह बता दिया कि लेफ्टिनेंट सर शमशाद मिर्जा का मसला इमरान खान की आर्मी चीफ की सिफारिश थी लेफ्टिनेंट अजर अरबास का मसला भी आर्मी चीफ की सिफारिश थी तो अब फिर आ जाते हैं लेफ्टिनेंट फैज हमीद भी फिर रेस से बाहर थे अब आ गए लेफ्टिनेंट मोहम्मद आमिर उनके बारे में एक तो ये था बहुत ज़्यादा ठप्पा के वो सबक सदर आसफ जरदारी साहब के साथ वो मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं जब वो प्रेसिडेंट थे तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा ये छाप थी कि वो आसिफ जरदारी साहब के करीब है फिर दूसरा यह हुआ कि आसिफ जरदारी साहब ने भी उनको पूरी कोशिश की कि वो फोर स्टार हो जाए और उसके लिए आसिफ जरदारी साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला पेश किया उन्होंने कहा कि देखिए आप अगर लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं तो मेरा बंदा आप चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दें और मेरा बंदा कौन वो होंगे लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर जो कोर कमांडर गुजरा वाला है और उसका जो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो पेशकश की जो मेरे ख्याल में हुआ के लिए बड़ी अट्रैक्टिव होगी और वो लगी भी एक दोनों के ख्वाद साहब ने कहा कि आसफरदारी साहब ने जो तो मशवरा दिया है वो बहुत अच्छा है और वो हमारी टॉप प्रायोरिटी होगा वो मशवरा तो वो मशवरा ये था कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाते हैं और जनरल मोहम्मद जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन जाते हैं तो टेक्निकली लेफ्टिनेंट मोहम्मद आमिर की एलिवेशन के बाद फोर स्टार पे जो बाकी चार लेफ्टिट होंगे लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्जा लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल फैज अमीर ये चारों के चारों सुपरसीड हो जाएंगे और जब ये चारों सुपरसीड होंगे तो ऑटोमेटिकली ये चारों घर चले जाएंगे और जो ये अभी इस वक्त सारा अगर कोई खेल खेल रहे हैं आर्मी चीफ बनने के लिए तो वो खेल इसके बाद आगे नहीं चलेगा और हम स्मूथ ट्रांजिशन से आगे बढ़ जाएंगे तो उसके बाद फिर बात आ गई और हुक्मरान तहत इस पर काफी हद तक एग्री भी कर गया कि ठीक है मोहम्मद आमिर साहब को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाते हैं और लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाते हैं अब लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर को आर्मी चीफ क्यों बना रहे थे उसकी वजह ये थी कि वैसे तो उनके साथ कोई नून लीग का नहीं था। लेकिन उनका जो तो एक अट्रैक्टिव पॉइंट था वो ये था कि सब किसी ना किसी के कैंडिडेट थे शायर शमशाद मिर्जा साहब साहब जनरल बाजवा के कैंडिडेट थे जो फैज अमीद साहब थे वो इमरान खान साहब के कैंडिडेट थे जो मोहम्मद आमिर साहब थे वो आसिफ जरदारी साहब के कैंडिडेट थे लेकिन हुक्मरान तहत को था कि इनमें से हम किसी को भी करेंगे तो वो तो जिसकी तरफ से सिफारिश होगी होगी उसका अब्लाइज होगा हमारा तो नहीं होगा और लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर का कोई भी सपोर्टर नहीं था और दूसरी बात यह थी कि लेफ्टिनंट आसिम मुनर की इमरान खान साहब मुखालफत कर रहे थे निजी महफलों में इसको आर्मी चीफ नहीं बनने देना और तीसरी बात कि लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर वो थे जिनको इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा से शिकायत करके इनको डी जी आई ईस आई से प्री मेच्योर आठ माह बादी इनको निकलवा दिया था और इवन के इतना भी उनको वो इनको निकलवाने की जल्दी थी कि संडे दिन उन्होंने संडे वाले दिन इतवार वाले दिन उन्होंने लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर को निकलवाने का नोटिफिकेशन करवाया कि इनकी पोस्टिंग करें आप यहाँ से मुझे नहीं चाहिए डी जी आई सही तो उन्होंने कहा कि ये कम अज़ कम इमरान खान के कैंप में नहीं जाएंगे इतना तो होगा तो उसके बाद फिर ये एक ऐसे कैंडिडेट बन गए जो आर्मी चीफ के लिए हुक्मरान एतिहाद के लिए चॉइस बन गए और फिर लेकिन अब आप कह रहे होंगे कि नुमान महमूद साहब पर भी जो एन डी यू में चेयरमैन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है हुक्मरान एतहाद उनको भी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाना चाहता था लेकिन उनको क्यों नहीं बनाया लेफ्टिनेंट मोहम्मद आमिर के जरदारी साहब सिफारशी थे और उनकी जो उन्होंने कैलकुलेशन दी थी वो थी भी अट्रैक्टिव तो उनको फिर क्यों नहीं बनाया चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तो उसकी वजह यह हुई कि जनरल बाजवा समरी रोक कर बैठ गए और फिर वहां पर फिर ये बातचीत चली होगी और फिर अब ये समझ आता है कि फिर हुक्मरान इतहाद ने यानी कि शबाशी साहब ने पीएम ऑफिस ने जनरल बाजवा से डील की कि आप लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम समरी में शामिल करें और उसके बदले में हम आपका चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लेफ्टिनेंट जनरल मिर्जा को बना देते हैं लेकिन आर्मी चीफ हम आप भी अपने गए और यूं फिर ने कहा कि कम अज कम आर्मी चीफ के कैंडिडेट की हद तक जीत हुई मिया शिबाशीफ साहब की मियां नवाज शरीफ की और उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया और फिर इस तरह लेफ्टिनेंट लेफ्ट शमशाद मिर्जा वो आ, बने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तो ये वो तमाम कहानी थी और अब हम आपको आप कह रहे होंगे किस तरह हमने कहा कि ये शबाशी साहब लगते हैं कि देखें ये जो तमाम बातें हैं ये एक आ, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं और एनालिस्ट हैं मुजम्मिल सहर वर्दी ये उन्होंने रिवील की है लिखा है उन्होंने न्याय पर और मुजमिन सोहर वर्दी साहब को हम जानते हैं कि वो मियाँ शबाशी साहब के बहुत करीब हैं मैं यही नहीं उन पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि कोई लफाफे शफाफे उनके को वो ये बिल्कुल नहीं मैं लगा रहा एक जर्नलिस्ट ठीक है तो सब जर्नलिस्ट अपनी अपनी सोर्सेज बनाते हैं कि कहाँ पर उसे उनको खबर मिल सकती है तो क्योंकि ये पी एम ऑफिस में इनका बहुत रेगुलर आना जाना है और ये करीब है तो इनकी मालूम का ज़रिया भी मोस्ट लाइकली वहीं से होगा ठीक है तो ये जो और फिर इनकी जो तहरीर है वो सारी की सारी हुक्मरान इतहाद और मियाँ शबाशीफ ने क्यों प्राइम मिनिस्टर ने इस जर्नैल को नहीं बनाया इसको नहीं बनाया इसको नहीं बनाया इसको नहीं बनाया और इसको क्यों बनाया वो सारा उनका जहन बयान कर रही है अस्करी जराये की तरफ का यह मौकफ नहीं है ये इस साइड का मौकफ है क्योंकि कैंडिडेट ये चुन रहे थे और ये देख रहे थे कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है तो फिर जो इनके दिमाग में चल रहा था वो बयान किया है उन्होंने और जो इनके खदशात थे वो बयान किए हैं मुजम्मिल शोहर वर्दी साहब ने तो इसका मतलब है कि वो फिर प्राइम मिनिस्टर के जहन में जो बातें थी वही बयान किया ना उन्होंने दैट मेक सेंस ना तो फिर ये उनकी तरफ से लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग ये तहरीर है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़